हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो साथियों, ये स्पेशली वीडियो मैं बना रहा हूँ टी आर्मी के बच्चों के लिए कि अब इसका मतलब ये तो नहीं कि यार भर्ती नहीं आ रही, तो भर्ती तो मेरे हाथ में दोस्तों है नहीं, लेकिन इसका मतलब फिर ये भी नहीं है कि जो बच्चे कमेंट करके कुछ अपने जो डाउट हैं, जो क्वेरी हैं वो पूछते हैं, उनका मैं जवाब ना दूँ। लेकिन इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भाई ठीक है, जो अगर आपको सारी चीज़ें पता है या सारा कुछ आप टी आर्मी के बारे में जानते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि जैसे इसमें नए नए बच्चे हैं जो जुड़ते जाते हैं, जिनकी एज मतलब इस भर्ती लायक हो जाती है या फिर उनकी जो हाइट कम रहती है नहीं, तो वो जो आर्मी से वंचित रह जाते हैं आर्मी भर्ती देखने से, उसके बाद उनके मन में काफ़ी सवाल उठते हैं कि यार हम कैसे तैयारी करें, इसकी कौन सी बुक इसकी पढ़ें हम, है कि नहीं, या क्या इसकी हाइट रहेगी, क्या लंबाई चौड़ाई रहेगी, सारी कुछ उनके। लेकिन जो पहले से जानते हैं है ना, उनके लिए नहीं है ये वीडियो उनके लिए है जो नए बच्चे आते हैं और जिनके मन में कोई क्वारी होती है या डाउट होते हैं, उनको बताने के लिए। ठीक है भाई, तो अभी कुछ बच्चों के इसमें कमेंट्स भी हैं तो उनको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, जो पहली बार विजिट किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें, जिससे जैसे ही मैं कोई जानकारी भरा वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप उसे देख सकें और अपनी जानकारी हासिल कर सकें। तो उसमें कुछ कमेंट्स हैं, एक हाशिम पठान का है, ये बोल रहे हैं कि सर आप मेरे कमेंट का जवाब नहीं देते। तो साथियों, हाशिम भाई, मैं पहले भी आपके कमेंट का जवाब दिया था, लेकिन पहली बार आपका मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। सर जी, मैंने बड़ी बात पूछा है आगे आपसे कि मेरा फ्रंट में हल्का सा दांत टूट गया है, उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगा, बाकी जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ सर इस पर रिप्लाई कीजिए अगली वीडियो में। तो हाशिम पठान जी, मैं इस पर रिप्लाई कर रहा हूँ। देखो दोस्त, ऐसा है, अब वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन यार वो डॉक्टर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए जब भी आपका जो मेडिकल होगा उस टाइम पर, क्योंकि आपको पता है आजकल बेरोजगारी इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि वहाँ पर जहाँ पर कोई 10 मांगते हैं तो वहाँ पर 1,00,000 लोग पहुँच जाते हैं। तो ये बात आप भी बखूबी जानते हैं, जब उनको फ्रेश और अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे तो उसमें जिसमें कोई कैंडिडेट में थोड़ी भी कमी है उसको वो क्यों लेंगे, है ना, ये तो आप अच्छे वाजे समझ सकते हैं। ठीक, आसिम जी, आपका जवाब मिल गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है शुमोन होरो। सर बताया नहीं, सरपंच में हेमली फोटो लगाना चाहिए क्या, बताना सर प्लीज बताना, नगर सेवक नहीं निकालना। यानी इनका कहने का मतलब है, पूछने का मतलब है, थोड़ा सा हिंदी बोलने में प्रॉब्लम है, कि जो अपना सरपंच वाला जो करेक्टर सर्टिफिकेट बनाते हैं तो इसमें कभी कभी क्या होता है, वो पूरा फैमिली का फोटो मांगते हैं कि आप, यानी कि आपके घर में मम्मी पापा या भाई बहन कितने हैं। और कभी कभी दोस्तों ये क्या होता है, उसी नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी जिस जॉब को हम देख रहे होते हैं उसमें क्या मांगते हैं। लेकिन ज़्यादातर तो ऐसा चलता है कि सिर्फ हम एक सिंगल फोटो अपना लगाते हैं जो सरपंच का करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, और वो कम से कम 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो उसमें सरपंच अपना स्टैंप लगाता है और साइन मारता है, ज़्यादातर तो ऐसा होता है। ठीक है, रही बात फैमिली की, तो फैमिली का जो अगर किसी नोटिफिकेशन में क्या होता है, उसमें अलग से बोलते हैं कि भाई जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसमें आपने फैमिली फोटो लगाना है, तो आप फैमिली फोटो लगा लेना। और उसमें कोई ज़्यादा ऐसा बनाना कोई महाभारत नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से 5 मिनट का काम होता है, उसका फॉर्मेट वाला ई मित्र के पास मिल जाता है और सरपंच के पास जाओ, उसमें साइन कराओ और भरो, हो गया बस। और जो आप बोल रहे हो, आप पूछ रहे हो कि इसमें नगर निगम, तो नगर निगम का भी चल जाएगा, नगर निगम का हो या सरपंच का हो, दोनों ही ये वैलिड होते हैं, ये दोनों चल जाते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ब्रजेश यादव का। सर जी, जैसे जैसे भर्ती आएगा तो उसके पहले एक वीडियो बनाइएगा। सर जी बिल्कुल, मैं जैसे ही कोई वीडियो भर्ती आती है तो ज़रूर उसके बारे में सही जानकारी वाला वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ और बनाता भी हूँ, तो इसलिए हमसे आप जुड़े रहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है इसमें निगम यादव का है। सर, टी आर्मी रेस में कितना टाइम देते हैं और लड़के कितना पकड़ते हैं? दोस्तों मैं आपको उसमें बता दूँ, जो टीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें उनका जो भर्ती का प्रोसीजर डाल रखा है उसमें 1.6 किलोमीटर रनने के लिए वो देते हैं 5 मिनट 45 सेकंड। ठीक है, यानी 60 नंबर लाने के लिए। लेकिन जब कोई भर्ती आएगी उम्रान, तो वहाँ पर क्या होता है, जब भर्ती हम देखने जाते हैं वहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं रैली साइट में, तो वहाँ पर जो भर्ती स्टाफ होता है उसमें प्रेजेंडिंग ऑफिसर होता है, प्रेजेंडिंग जेसीओज होते हैं, उसमें एनसीओज होते हैं, पीटी उस्ताद होते हैं, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी सारी वहाँ पर भीड़ है। मान लो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ है और अभी भीड़ होगी भी, क्योंकि काफ़ी दिन से करीबन 3 साल से टी आर्मी की भर्ती नहीं निकली है, तो इसलिए काफ़ी बच्चे भर्ती देखने के लिए उमड़ पड़ेंगे। और जब ज़्यादा भीड़ होती है तो वहाँ पर फिर बंदे भी ज़्यादा दौड़ाते हैं। मान लो एक ग्रुप में उन्होंने 150 बंदे दौड़ा दिए या 200 बच्चे दौड़ा दिए। और रही बात पकड़ने की, तो जो आगे आगे कोई ग्रुप आता है उसमें मान लो एक ग्रुप में 15, 20, 30 बच्चे आ रहे हैं,
तो उन्हीं को वो फर्स्ट में पकड़ लेते हैं और फिर पीछे वाले बंदों को बहुत कम लेने के चांस होते हैं। लेकिन इसमें कोई फिक्स नहीं है वो कितने पकड़ेंगे, ऐसा फिक्स का कोई डाटा नहीं है, वो इनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि कितने बंदे पकड़ेंगे। ठीक है भाई, सॉरी। नेक्स्ट तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेंगे दोस्तों हम हरीश, हरीश का भाई, ठीक है, हरीश कुमार। सर छुट्टी में सैलरी मिलता है ना? हाँ, तो यानी कि जब हम, क्या होता है जैसे हम आर्मी में थे तो हम जब भी छुट्टी आते हैं, छुट्टी आएंगे यहाँ कहीं हम अस्पताल में किसी बीमारी से भर्ती हो गए या हम कहीं टेम्परेरी ड्यूटी जा रहे हैं फौज के किसी काम से ही, कहीं भी जाएंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, टी आर्मी हो या आर्मी हो, जिस दिन आपका एनरोलमेंट हो गया, एक बार आप भर्ती हो गए, तो तब तक आप पेंशन नहीं आ जाओगे। उसके दौरान बीच में आप कहीं भी जाइए या कहीं भी कोई भी ड्यूटी करिए, आपका पेमेंट लगातार ही आपके हर महीने बैंक में आता रहेगा, चाहे वो आग लगे, तूफान आए, चाहे ओले पड़े, कभी भी इन डिफेंस फोर्सों का पेमेंट नहीं रुकता है। ठीक है भाई, तो आपका ये पॉइंट हो गया क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इसमें नेक्स्ट है यूजर ZU8I, ख्याल से उड़ीसा वाले बंदे का ये पॉइंट है। सर BSF CRPF से इंडियन आर्मी में जा सकते हैं क्या? दोस्त ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है कि आप अगर BSF में भर्ती हो गए या CRPF में हो गए तो वहाँ से कोई इंटरनल पेपर दे करके या कोई ऐसा पेपर दे के आप आर्मी में जा सकते हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इतना ही है कि अगर आपने आर्मी में भर्ती होना है तो वहाँ से पहले वो जॉब को छोड़नी पड़ेगी और तब फिर आप अपने यहाँ आर्मी की भर्ती आप देख सकते हो। लेकिन दोस्तों आप तो आर्मी के अंदर भी 4 साल की अर्निंग भी हो गई है, तो मैं तो कह रहा हूँ इससे बेटर BSF और CRPF की जॉब है, तो आप अगर उसमें भर्ती हो जाते हैं तो वही आप करते रहिए। नेक्स्ट है इसमें, सर अग्निवीर में NA नर्सिंग असिस्टेंट के लिए एज 2023 में क्या रहेगा? तो दोस्तों इस बार तो क्या था, 2 साल उन्होंने बढ़ा दिया था, यानी 31 मार्च 2023 तक ये चलेगा आपका 25, और 1 अप्रैल 2023 से उसके बाद दोबारा वही आपका 23 साल ही रहेगा ये नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हरिप्रकाश कुछ ऐसा करके है, इसमें ईमेल आईडी है इनकी ARIFI कुछ करके। सर इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है क्या? तो टी आर्मी के लिए दोस्तों जो ऑफिसर की अगर हमने भर्ती देखनी है तब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है, लेकिन जब हमने क्लर्क के लिए भर्ती देखनी है, ट्रेडमैन के लिए भर्ती देखनी है, जीडी सोल्जर की भर्ती देखनी है या ड्राइवर की भर्ती हमने देखनी है, तो उसके लिए कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं होता है। उसकी जो नोटिफिकेशन है या उसकी जो सूचना है वो अखबार में मिलती है हमारे को, और हमने सारे कागज अपने रेडी करके जहाँ पर भर्ती होती है, जिस हम जोन में आते हैं उस जोन की भर्ती में हमने सारे कागज लेके वहीं ऑन ग्राउंड रैली साइट में पहुंचना होता है। इसके लिए कोई फॉर्म भर्ती नहीं होता है, इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है ना ही कोई ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पबजी क्लच बॉय का है कुछ। सर मैं आर्मी में पहली बार फॉर्म भर रहा हूँ और मैं 10 स्टैंडर्ड में हूँ और 2 से 3 एग्जाम देके पास हुआ है, तो क्या मैं आर्मी में जा सकता हूँ क्या? तो बिल्कुल भाई आप आर्मी में भर्ती देख सकते हो, लेकिन अगर आपका 45% है, जैसे जो जिस कोई भी अग्निवीर की भर्ती निकलती है या कोई और ही भर्ती निकलेगी, तो उसमें हर आजकल आपको देखा होगा बहुत लंबा तगड़ा नोटिफिकेशन आता है, उसमें कितना परसेंटेज मांगते हैं आपसे, कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी सारे पैरामीटर्स उसमें लिखे होते हैं, और उन पैरामीटर्स पर आप अगर खड़े उतरते हो तो आप जरूर भर्ती देख सकते हो, अगर लेकिन आप उन पैरामीटर्स पर खड़े नहीं उतरेंगे तो आप भर्ती आपका यानी फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज है। तो दोस्तों ये थे आपके बहुत सारे पॉइंट जो नए नए बच्चे आकर करते हैं, और मैं उन पॉइंटों को रिप्लाई करना अपना फर्ज समझता हूँ। तो ठीक है, तो जो बच्चे पुराने हैं जो सब कुछ जानते हैं वो शुरू में ही वीडियो स्किप करके चला जाया करें, और बाकी जो नए बच्चे हैं जो काफ़ी इन पॉइंटों का जवाब लेना चाहते हैं वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों फिलहाल अपने शब्दों को विराम देता हूँ, मिलेंगे किसी नेक्स्ट जानकारी भरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।